ओके सो बाय द वे इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे. वी हैव सीन सम एग्जांपल्स फॉर डीएफएस और जो हमने एग्जांपल्स लिए थे दैट वाज फॉर द मॉडुलस फंक्शन. इन दिस सेशन अगेन वी विल कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स फॉर डीएफएस बट एज आई सेड वी इनिशियली वी विल टेक इजी एग्जांपल्स वी विल नॉट टेक एनी डिफिकल्ट एग्जांपल्स. तो इस सेशन में भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे डीएफएस के कुछ एग्जांपल्स लेंगे लैंग्वेजेस के एंड दीज एग्जांपल्स आर अगेन सपोज्ड टू बी इजी. ओके तो बिकॉज एज यू गाइज आर स्टडिंग द सब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो काफ़ी लोग हैं आप में से जो बहुत फर्स्ट टाइम ही सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक डिफिकल्ट एग्जांपल्स इन द बिगिनिंग. So let us take more examples and let us try to create DFAs for them. Okay. So maybe some of you find these examples easy, some of you might find these examples difficult. So we will figure it out. Fine. So let us assume that summation is equal to A comma B. So summation is equal to A comma B means here we have two symbols in the language. And here the first language here, the first language is the strings that starts with A, or can say strings that starts with single A. The second example, L2, strings that are ending with A. Third example, L3, strings that are starting and ending with A. Fourth example, strings that are starting and ending with different symbols, or make it same symbol first of all, with same symbols. L5 is starting with A and then ending with B. L7 starting and ending with different symbols. L8 strings that are containing A, B, A as substring. Okay. L9, maybe I can use some examples. So strings that are containing single A. So we'll do L9 first. So because these are easy strings that are containing AB, then strings that are containing ABA. Maybe let us take L11, strings that are starting with AB and ending with BA. And L12 is strings that are starting with AB as well as ending with AB. So maybe we take these examples. Again, we can formulate more examples like this. Hum iske alawa bhi aur bhi examples formulate kar sakte hain. Sure, Diksha, I will take this PYQ questions also. So PYQ questions hain, hum log class mein lenge. So we will take PYQ for both GATE as well as for UGC NET. So GATE aur UGC NET ke dono PYQ lenge. I have already sent you the PYQ file. So previous year questions hain jo main aapko already Telegram group mein send kar chuka hun. I believe you already have that. So hum log wo bhi lenge. Fine. So start kare. So try to see isme se kis kis ke aap bana sakte hain. So obviously I'll take a separate class, don't worry. इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके लिए इजी है. कैन यू मेक डी एफ ए फॉर एल नाइन एल टेन. सबसे पहले ट्राई विद एल नाइन एंड एल टेन. कैन यू टेक सो दीज आर इजी. लेट मी टेल यू व्हाट आर द इजी वन. दिस वन इज इजी. देन वी हैव दिस इज आल्सो इजी. देन वी हैव दिस इज आल्सो इजी फॉर यू. दिस इज आल्सो इजी. बाय द वे ऑल ऑफ देम आर इजी बट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस. मतलब ट्राई एल वन एल टू एल नाइन एंड एल टेन. तो सबसे पहले चार ट्राई कीजिए.
थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू डू इट, मतलब कोशिश कीजिए. सो द फर्स्ट वन हियर, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विद ए. ओके, यानी कि बिगिनिंग में आपके पास ए होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ जाए. सो द सिंबल्स और द स्ट्रिंग्स दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस लैंग्वेज, द स्ट्रिंग्स विल बी सिंगल ए कैन बी देयर, वी कैन हैव डबल ए, वी कैन हैव ए बी ए, वी कैन हैव ए बी, यू कैन हैव ए डबल बी एंड सो ऑन. दैट मीन्स द फर्स्ट सिंबल शुड बी ए एंड ए के बाद कुछ भी आ सकता है. यू कैन हैव एनी सिंबल आफ्टर ए, द फर्स्ट सिंबल शुड बी ए ओनली. ठीक है, तो जो पहला सिंबल है वो आपका ए होना चाहिए. सो दैट मीन्स दिस इज योर इनिशियल स्टेट क्यू नॉट. इन द बिगिनिंग यू कैन नॉट हैव बी. अगर बिगिनिंग में अगर आपके पास बी आ जाता है, दैट मीन्स द स्ट्रिंग शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, बट इन द बिगिनिंग यू कैन हैव ए. सो इन द बिगिनिंग इफ यू गेट अ बी, यू विल गो टू द स्टेट क्यू वन एंड दिस विल बी एक्टिंग एज ए ट्रैप स्टेट. यानी कि अगर आप कभी किसी स्टेट पर जाते हैं, उस स्टेट से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, एंड दैट स्टेट इज अ डेड स्टेट, तो दैट स्टेट इज बेसिकली ट्रैप स्टेट. सो फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम क्यू नॉट आई कैन गो टू क्यू वन एंड आई क्रेडिट क्यू वन एज अ ट्रैप स्टेट, क्योंकि क्यू वन से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते एंड दिस इज नॉट अ फाइनल स्टेट. एंड इन द बिगिनिंग इफ यू गेट ए, यू विल गो टू द स्टेट क्यू टू एंड आई क्रेडिट क्यू टू एज अ फाइनल स्टेट. एट बिगिनिंग में अगर पहला सिंबल ए है, दैट मीन्स एवरीथिंग आफ्टर दिस शुड बी एक्सेप्टेड. सो हियर आफ्टर दिस यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल. सो करना यह है कि अगर बिगिनिंग बी से होती है तो उसको आप ट्रैप स्टेट पर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर बिगिनिंग ए से होती है देन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट. क्लियर? ओके, सो इन दिस लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज L1, एप्सिलॉन इज नॉट देयर. व्हाई लैंग्वेज L1 इज नॉट हैविंग एप्सिलॉन? बिकॉज यहाँ पर हमने बोला है कि द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए. एवरी स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज L1 शुड स्टार्ट विद ए. वी कैन नॉट हैव एन एप्सिलॉन सिंबल हियर. ओके, try with the language L2. Try with the language L2. So if you look at this language L2, L2 means the strings ending with A. So ending with A ka matlab ye hai, you can have strings like this. You can have single A. Agar aapke paas single A hai, then it is starting with A as well as ending with A. You can have double A because it is also ending with single A. You can have BA क्योंकि यहाँ पर भी ending with A हो रहा है. You can have ABA ending with A है. You can have BBA ending with A है and so on. That means last में आपके पास हमेशा A आना चाहिए. In the beginning you can have any combination whatsoever. Beginning में आपके पास कोई भी combination हो सकता है, लेकिन last में आपके पास हमेशा A आएगा. So how can you do it? Look at it carefully. In the initial state you are going to have, if you are going to have B, doesn't matter. Beginning में आपके पास कितने भी B हो सकते हैं, we are not really concerned about B. But as soon as you get a single A, you will assume कि string का end आ चुका है, and then you go to the state Q2 and you are going to accept it. After this, you can have any number of A's, doesn't matter. लेकिन अगर उसके बाद B आता है, then again I'll go to the state Q0. So if you look at this complete DFA, तो you will always end up at the state Q2 if you have A in the ending. Okay, that means you can take any string whatsoever, A, B, 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 A, B, A, B, A. So in this entire string, beginning में आपके पास कोई भी combination है, but ending A से हो रही है. So that means this string should be accepted. ये जो string है वो accept होनी चाहिए. So if you look at first A, तो हम Q0 से Q2 के पास गए. Then from B, Q2 से हम again Q0 के पास गए. Then again B, so Q0 से again Q0. Then again B, Q0 से Q0. Then फिर सिंगल A, यानी कि Q0 से Q2 के पास गए. उसके बाद आपके पास B आया, तो हम Q2 से Q0 के पास गए. फिर आपके पास सिंगल A आया, तो हम Q0 से Q2 के पास गए. फिर आपके पास एक सिंगल B आया, तो हम Q2 से दोबारा से Q0 के पास चले गए. और जैसे ही आपके पास एक और A आया, तो हम Q0 से Q2 के पास चले गए. यानी कि जब भी आपके पास एक B आता है A के बाद, तो हम हमेशा Q0 पे ही रहते हैं. सो व्हेनेवर यू गेट अ बी, यू विल ऑलवेज एंड अप एट Q0. बट व्हेनेवर यू गेट अ ए, यू विल ऑलवेज एंड अप एट Q2. ओके, तो यहां पर एप्सिलॉन इज नॉट एक्सेप्टेड. इन दिस स्ट्रिंग एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं था, सो वी हैव नॉट क्रिएटेड Q0 एज ए फाइनल स्टेट. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो लेट मी टेल यू समथिंग फनी. मतलब मुझे तो फनी लगता था.
When I was studying theory of computation for the very first time, so in my class, जो मेरे सर थे, he used to use terminologies, तो मुझे कुछ भी क्लास में समझ नहीं हो रहा था. So I was a student जो क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठ के, and we used to play tic-tac-toe, okay? तो वो क्लास में हमेशा Q2 बोलते रहते थे. So he meant the state Q2, but मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है. So I used to feel कि वो क्लास में किसी लड़की को Q2 बोल रहे हैं. So this is something that happened to me. Really it happened. So I used to feel कि क्लास में वो हमेशा he's saying Q2 to some girl. So anyways, let us take the language L9. तो L9 में it is saying containing A. So containing A means it can have A anywhere. तो आपके पास A middle में भी हो सकता है, beginning में भी हो सकता है, कहीं पर भी A हो सकता है. Even if you have A anywhere, you can have any combination in the beginning, you can have any combination in the end, doesn't really matters. All that matters is string में A आना चाहिए, that's it. So this, that string should be accepted. So that means we can create a diagram like this. Initial state is Q0. Beginning में कितने भी B आए, doesn't matter. लेकिन जैसे ही एक single A आएगा, we'll go to the state Q1. उसके बाद चाहे A अभी कुछ भी आए, we are always going to accept it. So all that matters is, we'll always go to the state Q1 if we get a single A. अगर single A आता है, तो हम Q1 के पास जाएंगे, and after that we are going to accept any combination. So all I'm trying to say is, कि containing A का मतलब है, कि A कहीं पर भी आए, but A आना चाहिए. चाहे वो beginning में आए, middle में आए, end में आए, any place whatsoever, but A should be there. So if a string is containing A, that should be accepted. Then for the language L10, अगर आप L10 को चेक करेंगे, तो L10 में containing AB. अभी AB कहीं भी हो सकता है. You can have AB here. You can have BAB. You can have AAB. You can have ABAB. You can have any combination whatsoever. But the thing is, if it is containing AB, then it should be accepted. But if it is not containing AB, it should not be accepted. Okay. So here we have Q0 state in the beginning. Beginning may you can have any number of B's, but as soon as you get a single A, there's a chance that we can get AB. So we'll go to the state Q1. Ab Q1 par jaane ke baad, again you can get any number of A's, so we'll always stay in the state Q1. But as soon as you get one B, you'll go to the state Q2 and we are going to accept it. So you'll always go to the state Q2 if you have AB. Agar aapke string mein AB aaya hai, then only you can go to the state Q2, otherwise you cannot go to the state Q2, and yahan par you can have any combinations of A and B. So basically in this entire diagram you can clearly see ki agar aapke paas AB aata hai, so AB can be anywhere, in the beginning, in the middle, in the end, anywhere. Agar kahin par bhi AB aayega, we will always reach the state Q2. To us case mein hum log hamesha Q2 state par pahunchenge. Is it clear? Any doubts till now? Ab tak koi doubt hai to puch lijiye. Good. Now try this. Starting and ending with A. The starting symbol hai aur ending symbol hai, wo A hona chahiye. All those who are watching the live stream, please be active. Chat window ke andar. So here we have starting and ending with symbol A. तो अगर आपके पास symbol A से start हुआ और symbol A से ही end हुआ, that means in this case you can have a single A. अगर आपके पास single A है, तो जो string है वो A से ही start हो रही है और A से ही end हो रही है. You can have double A, starting ending with भी A हो गया. You can have ABA, यानी कि starting symbol भी A है string का और ending symbol भी A है. You can have ABABA. You can have ABA. So basically, बीच में string के कुछ भी आ सकता है. Starting symbol should be A. Then you can have anything in the middle. Then ending symbol should be A. But we have to make sure कि single A भी यहाँ पर acceptable है. So ज़्यादा students ये mistake करते हैं in this case. They just assume कि single A acceptable नहीं है. But it should be clear to all of you that if you get a single A, then single A should also be accepted. So here you can see we have an initial state Q0. In the beginning, if you get a B, it should not be accepted. After this, aapke paas chahe kuch bhi aaye, I'm not going to accept anything, because strings should not start with B here. But if a string is starting with A, then I can accept it, because in that case
starting and ending is also A. Agar aapko single A hai, that should be accepted. Now after this A, if we get a B, I'll go to the state Q3. क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज आई गो टू द स्टेट Q3 ओनली इफ यू हैव ए बी, यानी कि वो बी से एंड हो रहा है. इफ अगेन वी गेट अ ए, दैट मीन्स हम लोग Q02 पर दोबारा से वापस आ जाएंगे. इन Q3 यू कैन हैव एन नंबर ऑफ बीस, तो हम लोग Q3 पर ही रहेंगे. सो लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन गिव एनी स्ट्रिंग व्हाटसोएवर. अगर जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है और ए से ही एंड हो रही है, देन यू विल ऑलवेज एंड अप एट द स्टेट Q2. जैसे कि आपके पास इफ यू हैव अ स्ट्रिंग विच इज A, B, A, B, A. This is your string. अगर ये string आप इसको देंगे, so first A, आप Q0 से Q2 के पास जाएंगे, B, Q2 से Q3 के पास जाएंगे, again B, Q3 से Q3 के पास रहेंगे, then A, Q3 से Q2 के पास जाएंगे, then B, हम Q2 से Q3 के पास जाएंगे, and then A, यानी कि Q3 से हम Q2 के पास जाएंगे. सो दैट मीन्स इफ योर स्टार्टिंग इज ए एंड एंडिंग इज ए, देन यू विल ऑलवेज एंड अप एट द स्टेट Q2. तो उस केस में आप हमेशा Q2 पर ही एंड करेंगे. इट्स वेरी इजी. तो वी हैव डन L1, L2, L9, L10 एज वेल एज नाउ वी ऑल्सो डन L3. तो दीज प्रॉब्लम्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, L4, which is starting and ending with same symbol. Yani ki, if the string starting with B, it should end with B. If the string started with A, it should end with A. So the strings that we can have here is, you can have single A, you can have single B, you can have A, B, A, you can have B, A, B, you can have double A, you can have double B, and so on. Yani ki, if the string is started with A, it should end with A. If the string started with B, it should end with B. So I can easily make it just by making some changes in this diagram. So how can you do it? जिस तरीके से हमने A से start हुआ और A से end होने के लिए बनाया था, उसी तरीके से हम B से start होंगे और B से end होने के लिए बनाएंगे. So जैसे कि अगर starting में B आता है, so that means it should end with B only, right? So here I'm going to make a final state. उसके बाद अगर B के बाद A आता है, I'll go to the state Q4. We can have any number of A's, will always remain at the state Q4. But if you get a B, we'll be back at the state Q1. Now this is the diagram which says, if we are starting with A, we will always end with A. That should be accepted. If we are starting with B, we should always end with B. That should be accepted. So this diagram, if you can take any string whatsoever, like 4A, B, A, double B, A, B. Now this string is starting with A and ending with B, that means this string should not be accepted. देखो यहाँ पर starting जो हुई है वो A से हुई है और start ending जो हुई है वो B से हुई है. अब because starting और ending symbol different है, तो यानी कि string accept नहीं होनी चाहिए. Just try. A को हमने दिया Q0 से Q2 के पास गए, B दिया Q2 से Q3 के पास गए, फिर से A आया Q3 से Q2 के पास गए, फिर से B आया तो Q2 से Q3 के पास गए, फिर B आया Q3 से Q3 के पास रहे, फिर A आया तो Q3 से Q2 के पास गए, और फिर B आया तो Q2 से Q3 के पास गए. तो यानी कि आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग, वी विल एंड अप एट द स्टेट Q3. तो पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद हम Q3 के पास एंड होंगे. नाउ अगेन इफ यू गेट अ सिंगल A, यानी कि अब ये जो स्ट्रिंग है वो A से स्टार्ट हुआ और A से एंड हो गया, सो इन दैट केस हम Q3 से दोबारा से Q2 के पास चले जाएंगे. सो इफ यू हैव अ स्ट्रिंग विच इज स्टार्टिंग विद B एंड एंडिंग विद B, then it should also be accepted. B से start हुआ तो Q0 से Q1 के पास गए, फिर double A आए तो Q1 से Q4 के पास गए और फिर से Q4 के पास गए, फिर B आया तो Q4 से Q1 के पास चले गए, फिर A आया तो Q1 से Q4 के पास गए, फिर B आया तो Q4 से हम Q1 के पास चले गए. सो यानी कि आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग हम लोग Q1 के पास गए हैं, सो दिस स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड. सो स्टार्टिंग एंडिंग सिंबल्स आर सेम, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस. एनी डाउट्स? अब वो कोई डाउट है? यस, यू कैन हैव टू फाइनल स्टेट्स इन अ डायग्राम मैरी. सो एज आई सेड, नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कैन बी मोर देन वन. सो इन द प्रीवियस डायग्राम वी हैड टू फाइनल स्टेट्स. सो इन सम डायग्राम्स यू कैन हैव फाइव फाइनल स्टेट्स, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स. सो इट डजंट मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स कैन यू हैव. ओके, सो L5, इफ यू लुक एट L5, सो इट इज स्टार्टिंग विद A एंडिंग विद B. यानी कि इन दिस केस यू कैन हैव अ स्ट्रिंग AB,
you can have ABB, you can have AAB, you can have ABABAB, you can have ABBAB, you can have ABAABBBAB. So basically starting symbol should be A, ending symbol should be B. So in between you can have any combination. Beech mein aapke paas koi bhi combination ho sakta hai. Starting should be A and ending should be B. So this is your initial state Q naught. If it's starting with B, so I'm going to reject it. I'm going to take it to a trap state. But if your starting symbol is single A, so maybe there's a chance that I should end with B. So I'll go to the state Q2. You can have n number of A's here. But jaise hi B aayega, I'll go to the state Q3 and I'll accept it. And here you can have n number of B's. But if you got an A, again I'll go back to this state. So here you can see, you can give any combination. Try and giving some combination here. You can try and give this combination. So if a string is starting with A and if it is ending with B, then we will always ending at the state Q3. Jaise ki pehla string symbol aapke paas A hai. So from Q0 I can go to Q2. Next symbol is B. From Q2 I can go to Q3. Next symbol is A. From Q3 again I can go to Q2. Next symbol is A. From Q2 again I will go to Q2. The next symbol is B. From Q2 to Q3, again B, Q3 to Q3, again B, Q3 to Q3, then A from Q3 to Q2, and then again B from Q2 to Q3. So that means whenever you get a symbol which is string which is starting with A and ending with B, you will always end up at the state Q3. It is one of the very very easy problems that you can solve. Okay. Now the next one here is starting and ending with a different symbol. That means if you started with A, you should end with B. If you started with B, you should end with A. So basically you can make modifications in this diagram. So just like I created this state, that means you started with A and ended with B. In the same way, I can make a diagram for this place. That means if you are starting with B, you should ending with A. So if you can make it, you can easily solve this problem. Okay, so let me create that diagram. So if it is starting with B, we'll go to the state Q4, and you can get any number of B's. As soon as you get one more A, we'll go to the state Q5. It is a final state. You can have any number of A's, but if you get again another B, you'll go to the state Q4 again. So basically it is just like a modification of this given one. So यहाँ पर क्या था हमारे पास, अगर A से start हुआ तो B से end होना चाहिए, और यहाँ पर क्या हमारे पास, अगर B से start हुआ तो A से end होना चाहिए. So this one is starting with B and ending with A, and again this one is starting with A and ending with B. So basically this entire diagram is showing the strings which are starting and ending with the different symbols. Clear सबको? I believe you are not having any doubts. तो आपको कोई doubt नहीं है. So because you guys are not having any doubts, that is why I say you guys are super smart and intelligent people. Okay, so the next one here is, let us make this one. So you can do it by yourself. This is containing AB. It is very very easy. Just let me do it this one. So it is starting with AB and ending with BA. So in the beginning this is a state Q0. If it is starting with A, it should be AB, right? So I'll go to the state Q1, right? Agar beginning mein hamare paas B aata hai, so I'm not going to accept it because we want starting with AB and ending with BA. Agar starting mein hi B aa gaya, so I will go to a trap state. But agar starting mein A aaya, so it should be B. So AB aayega, then I can go to the state Q3. So starting with AB ho gaya aapke paas. अगर स्टार्टिंग में हमारे पास डबल ए आता है, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट. सो फ्रॉम क्यू वन आई कैन गो टू क्यू टू इफ यू हैव अ ए. बट हम क्यू थ्री पर कब पहुंचेंगे? वी कैन ओनली रीच क्यू थ्री इफ इट इज स्टार्टिंग विद ए बी. इफ इट इज नॉट स्टार्टिंग विद ए बी, देन आई कैन नॉट रीच क्यू थ्री. After this, I want it should end with BA. So there's a trick here. The trick is, if you have a string which is ABA, so here this string is starting with AB as well as this string is also ending with BA. So the smallest string that should be accepted here is ABA. तो यहाँ पर जो सबसे छोटी या फिर smallest string accept होगी, वो होगी आपके पास ABA. So AB हमारे पास आ चुका है. That means if you get one A,
I should go to the state Q4 and it should be accepted state, because ABA is the smallest string that should be accepted. Now if here, if I get a single A, right? So I should again search ABA, right? So if I get a single A, okay, let me make one extra state here. If I get a single A, I go to the state Q5, right? So why I have created the state Q5 here? Because we can have a string which is A, A, B, A, A, B, A. So again, you can see this string should also be accepted because AB start starting and BA is ending. So we Q4 per Q, we reached Q4 because we found ABA. But after this ABA, if we have a string again of one more A, then it should not be, you know, accepted. So here after this, if you get a B, I can go here, okay? Or if you get a B here, I mean, if you have a string which is ABA, B, so it should not be accepted. But after this B, I can again get a A, right? So agar yahan par hamare paas ek B aata hai, so I can go to some state. So if we get a B, I can go to this state, okay? So basically hame karna kya hai, whenever you create a DFA, so in every DFA you have to see ki har ek state mein aapke paas sabhi symbol ke transitions hone chahiye. Jaise in the state Q0 DFA mein, agar aapke paas two symbols hai, your language is having two symbols, so every state should be having exactly two outgoing transitions. If your language is having three symbols, so every state should be having exactly three outgoing transitions. Usse zyada nahi ho sakte. To yahan par Q0 mein two outgoing transitions hai, Q2 par two outgoing transitions hai. Kiske liye? Ek A ke liye aur ek B ke liye. You can write it as like this, right? Q1 pe you should have two outgoing transitions. One is for A, second is for B. Q3 par should have two outgoing transition. One is for A, but second should be for B. Okay. So if I have a B here, I can go back to this state. Q4 par you have two outgoing transition. One is for A and second is for B. Q5 par you should have two outgoing transition. One is for A and second is for B. So हमारे पास यहाँ पर B का transition हमने बनाया है. We have not created any transition for A. So let us assume that if we again get a A, we should be on this state only. So obviously we can simplify this diagram. हम इसको और भी simplify कर सकते हैं. But I tried to make it simple, right? So मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ. What I've done here is, अगर beginning आपकी B से start होती है, then you go to the state Q2, okay? उसे आप, that is a trap state. If in the beginning you get AA, so AA should not be accepted. So in the beginning, अगर आपको पास A और A आता है, then again you go to the state Q2 and you are not going to accept it. But after this, again you have, if you have ABA, so because of this AB and because of this A, so ABA should be accepted, because हमारे पास ABA is the smallest string that should be accepted. So ABA, it is the smallest string that should be accepted. So इसके बाद, if you have A double B A, again this string should be accepted. So A B B A, तो ये string भी accept होगी. If you have string like A B B A B B A A B A, अगर आपके पास ये string है, तो check करो. A, तो first A से हम Q1 पर गए. Then you have B, so Q1 से Q2 पर, Q3 पर sorry. Then you have again B, so Q3 से again Q3 पर. Then you have A, so Q3 से Q4 पर. Then you have B, so Q4 से Q3 पर. Then you have B, so Q3 से Q3 पर. Then you have A, so Q3 से Q4 पर. Then you have again A, so Q4 से Q5 पर. Then you have B, so Q5 से Q3 पर. Then you have A, so Q3 से Q4 पर. Because it is ending with AB, BA, so we are at the state Q4. So I hope that you understood, right? So in this diagram, you will always reach the state Q4 whenever you have BA at the end. Jab bhi aapke paas end mein BA hoga, you will always reach the state Q4. But if you do not have a BA at the end, you will never reach to the state Q4, correct? So this thing, I think it should be clear. Do you have any doubts with it? If it is clear, you can create a diagram for starting with AB and ending with AB. So starting bhi aapke paas AB hona chahiye aur ending bhi aapke paas AB hi hona chahiye. Starting and ending with AB.
सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए बी, दैट मीन स्टार्टिंग सिंबल शुड बी ए बी एंड एंडिंग सिंबल शुड ऑल्सो बी ए बी, इन दैट केस द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट शुड बी एक्सेप्टेड शुड बी ए बी. तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वो ए बी एक्सेप्ट होनी चाहिए बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग विद ए बी एज वेल एज एंडिंग विद ए बी. सो वट आर द अदर पॉसिबल स्ट्रिंग्स? यू कैन हैव ए बी ए बी, यू कैन हैव ए बी 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 ए बी ए बी, राइट? सो स्टार्टिंग विद ए बी एज वेल एज एंडिंग विद ए बी. सो बेसिकली इन बिटवीन यू कैन हैव एनी थिंग, बट अगर स्टार्टिंग ए बी से हुई है सो एंडिंग शुड ऑल्सो बी ए बी. एंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट हियर इज ए बी ओनली. तो क्या होगा? यू हैव इनिशियल स्टेट एज क्यू नॉट. इन द बिगिनिंग इफ यू गेट अ बी यू गो टू द स्टेट क्यू वन विच इज अ ट्रैप स्टेट और यू कैन से डेड स्टेट. देन यू कैन इफ यू गेट अ ए इन द बिगिनिंग यू गो टू द स्टेट क्यू टू. इफ यू गेट अ बी यू गो टू द स्टेट क्यू थ्री एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट बिकॉज ए बी शुड बी एक्सेप्टेड. लेकिन अगर स्टार्टिंग डबल ए से हुई है देन इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. अब क्यू थ्री पर अगेन आपको चेक करना है कि आपको बी आएगा तो क्या होगा और ए आएगा तो क्या होगा. So in Q3, if you get a B, so again you should have AB, right? So you'll go to the state Q4. So Q4 per, you can have any number of Bs, okay? और अगर Q3 पर दोबारा से एक और A आ जाए, I cannot go back to the state Q2. देखो ध्यान दो, अगर Q3 पर अगर एक और A आ जाए तो हम Q2 पर दोबारा नहीं जा सकते बिकॉज देयर इज अ चांस कि उसके बाद हम ट्रैप स्टेट पर जा सकते हैं. सो आई डोंट वांट टू गो दैट ट्रैप स्टेट. सो अगर Q3 के पास हमारे पास A आता है देन आई कैन गो टू द स्टेट Q5. उसके बाद अगर एक और B आ जाता है तो आई विल गो अगेन गो टू द स्टेट Q3. तो ये जो स्टेट हमने बनाया है दिस इज फॉर दिस ट्रांजिशन ओनली, ओके? अब उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद सो इन बोथ ऑफ दिस ट्रांजिशन यू हैव टू मेक श्योर कि Q3 के बाद अगर यहाँ पर कितने भी A आए, सो बिकॉज आई हैव टू गिव एवरी ट्रांजिशन इन एवरी स्टेट फॉर एवरी सिंबल. जैसे कि यहाँ पर है Q5 है, सो वी शुड हैव वन ट्रांजिशन फॉर A एंड वी शुड हैव वन ट्रांजिशन फॉर B. Q3 पर वी शुड हैव वन ट्रांजिशन फॉर A, वी शुड हैव वन ट्रांजिशन फॉर B. इन द सेम वे Q4 पर वी शुड हैव वन ट्रांजिशन फॉर B एज वेल एज वी शुड हैव वन ट्रांजिशन फॉर A. तो अगर Q4 पर आपके पास A आ जाए तो हम लोग जाएंगे Q5 पर, ओके? एंड इफ यू फील, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो हमने हर एक स्टेट पर दो ट्रांजिशंस बनाए हैं, टू आउटगोइंग ट्रांजिशंस, दैट इज फॉर अ सिंबल ए एंड दैट इज फॉर अ सिंबल बी. सो हम लोग यहां पर हमेशा Q3 पर पहुंचेंगे इफ इट इज स्टार्टिंग विद ए बी एज वेल एज इट इज एंडिंग विद ए बी. अगर एंडिंग इज ए बी से नहीं होगी देन विल नेवर रीच Q3. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल हियर. ये जो एग्जाम्पल था, तो बिगिनिंग में ए आया Q0 से Q2 पर गए, फिर B आया तो Q2 से Q3 पर गए, फिर आपके पास एक और B आया तो हम Q3 से Q4 पर गए, फिर से एक और B है आपके पास तो Q4 से Q4 पर रहे, फिर एक और A आया तो हम Q4 से Q5 पर गए, फिर आपके पास एक B आता है तो Q5 से हम लोग Q3 पर गए, राइट? तो उसके बाद फिर से एक और हमारे पास A आएगा तो हम Q3 से Q5 पर गए, और फिर से अगर हमारे पास B आएगा तो Q5 से Q3 पर गए. So because this string is ending with AB and starting with AB, therefore you'll always end up at that state Q3. Is it clear with all of you? क्या आप सभी के साथ ये clear है? Do you have any doubts? Okay. So let me do one thing. Let me send you some problems on Telegram group. ठीक है? I'll send you some practice problems on this for Telegram group. Okay. So I'm finishing the class here right now because I'm having a headache right now. I don't know why, but I'm getting a headache. So I'm sending you some problems on the Telegram group. You can use those problems for practice purposes. So in some time, if I feel okay, again, I'll continue the next session. Otherwise, we will have a class tomorrow then, okay? So tomorrow will be the same timing at 11 a.m. Or if today, give me just half an hour or 1 hour, if I feel comfortable, again, I'll continue my session, okay? Is it fine, everyone? Pratibha, Mary, and Jay, is it fine? Good. Great. So let me finish the session here and enjoy your time. So I'll send you some problems, practice problems in the Telegram group. Manu, please call us on the number 9821876104. I sent you a number.
because these things you can discuss with Abhilasha ma'am and she will be able to answer you properly for this. Okay, so let me finish the session right now. Enjoy your time. Good night, good evening, bye bye, and good night.